नमस्कार दोस्तों, आपने एक साधारण जीवन में और मूवीज में भी ऐसा देखा होगा कि किसी व्यक्ति के साथ कोई जघन्य अपराध होता है, जैसे हत्या, चोरी, लूटपाट या मारपीट। इस तरीके के अपराध होने के बावजूद पुलिस उसकी एफआईआर नहीं लिखती है, उसको एक थाने से दूसरे थाने दौड़ाया जाता है और कहा जाता है कि ये उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यहाँ तक सबसे ज्यादा आपने ये देखा होगा कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और वो रोड पर पड़ा रहता है, लेकिन पुलिस उसको उठा के हॉस्पिटल नहीं लेके जाती है और तर्क ये दिया जाता है कि वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो इसी समस्या से पार पाने के लिए सरकार ने सेक्शन 154 CRPC इंट्रोड्यूस किया और उसके अंदर जीरो FIR का कंसेप्ट लेके आई। जीरो FIR क्या है? जीरो FIR के तहत आप कहीं पे भी अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं, चाहे तो वो FIR का थाना अपने आपके घटना स्थल के अधिकार क्षेत्र में ना हो, या फिर जहाँ पे आप रहते हैं उस रहने के हिसाब से जो आपका थाना लगता है उसके अधिकार क्षेत्र में भी वो जगह ना हो, आप किसी भी जगह पे जाके भारत में FIR लिखवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ घटना हुई है यूपी में, तो आप दिल्ली में भी जाके FIR को लिखवा सकते हैं। इसे जीरो FIR इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अपराध संख्या की जगह जीरो मेंशन किया जाता है, क्योंकि जिस भी आपने थाने में FIR लिखवाई है उस थाने से यह FIR बाद में जो एक्चुअल घटना स्थल का थाना है वहां पे ट्रांसफर की जाती है और वहां पे इस पे घटना संख्या चढ़ाई जाती है, इसलिए इसको जीरो FIR भी कहा जाता है। जीरो FIR को मौखिक और लिखित दोनों ही रूप में दर्ज कराया जा सकता है। अगर आपने जीरो FIR को मौखिक रूप में दर्ज कराया है तो आप पुलिस वालों को बाध्य कर सकते हैं कि वो आपको पूरी FIR को पढ़ के सुनाएं, और इसके साथ साथ ही जब FIR लिखी जा चुकी होगी तो उस पे आपको अपने हस्ताक्षर करने होंगे और उसकी एक कॉपी अपने पास जरूर रख लें। जीरो FIR के केस में बस एक बात आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी होगी कि जीरो FIR सिर्फ गंभीर अपराध के केस में ही दर्ज की जा सकती है, यानी कि कॉग्निजिबल ऑफेंस के केस में ही दर्ज की जा सकती है, ये नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस के केस में दर्ज नहीं की जा सकती। अगर आपका अपराध गंभीर नहीं है, किसी से मामूली झगड़ा हुआ है, तो उस केस में FIR दर्ज नहीं होती, क्योंकि नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस के केस में आपको कोर्ट जाना होता है और कोर्ट के बाद ही कोर्ट डिसीजन लेता है कि इस पे FIR होनी है या नहीं होनी। तो आपका जीरो FIR सिर्फ गंभीर अपराध या कॉग्निजिबल ऑफेंस के केस में ही दर्ज की जा सकती है। तो इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।